हाय, आई एम साक्षी। वेलकम टू आवर चैनल, जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। आपको पता थे कि साउथ के कुछ ऐसे एक्टर हैं जो बॉलीवुड में अब एंट्री मारना चाह रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि इनमें से एक है साउथ के यंग एक्टर विजय देवरकोंडा। दरअसल आपको बता दें कि वो अभी अपनी फिल्म लाइगर को लेकर काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, जो कि बॉलीवुड में उनकी पहली डेब्यू फिल्म है। आपको बता दें कि कोविड महामारी के बीच OTT प्लेटफॉर्म देश में दर्शकों के बीच सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। वहीं आपको बता दें कि फिल्मों को स्ट्रीम करने के लिए फिल्म निर्माताओं की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि इंडस्ट्री में बॉलीवुड और साउथ मूवी इंडस्ट्री के कई A-listers भी इन प्लेटफॉर्मों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, क्योंकि वे लैंग्वेज और इंडस्ट्री की बाधाओं के बिना देश भर में व्यापक दर्शकों तक पहुंचना पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि विजय OTT पर एक छोटा शो करने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि उनकी बॉलीवुड की फिल्म लाइगर को रिलीज के लिए 2022 तक का डेट बढ़ा दिया गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हालांकि यह अभी तय नहीं है कि वह इसमें अभिनय करेंगे या नहीं, लेकिन विजय जरूर इस रूप में इसका निर्माण करेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान विजय ने कई कहानियां सुनी हैं और अब तक एक पर ध्यान केंद्रित किया है। वैसे अगर सूत्रों की माने तो आपको बता दें कि हो सकता है कि विजय देवरकोंडा OTT प्लेटफॉर्म पर नजर आए। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनकी प्रिय कॉमरेड सह कलाकार यानी कि रश्मिका मंदाना भी उनके नक्शे कदम पर चलकर OTT सीरीज के लिए सहयोग करेंगी या नहीं। जैसे कि विजय और रश्मिका को फैंस एक साथ स्क्रीन पर देखना पसंद करते हैं, अगर वो दोनों एक साथ OTT प्लेटफॉर्म पर नजर आए तो क्या तड़का लगेगा। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।